क्या सीन है भाई यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? हम सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से। तो आप सबको जो है वो ईद बहुत बहुत मुबारक हो। ईद तो गुजर चुकी है लेकिन फिर भी ईद की मुबारकबाद तो पूरा महीना चलती रहती है। तो ये है ईद का सेकेंड डे का व्लॉग। ये है कि अमूमन ये होता है कि मेरे जो मम्मी और भाई हैं वो ईद के सेकेंड डे आते हैं, ईद मिलने के लिए भी आते हैं और साथ में जो है वो ईद की दावत जो है वो भी दे देते हैं। तो बस ये है कि शाम का वक्त था, यानी समझ लें शाम और रात का टाइम था, तो उस टाइम पर वो आए हुए थे। तो ईद का टाइम है तो हमने कहा चलो थोड़ा बहुत शुगर मेला कर लेते हैं, साथ में बातचीत भी हो जाएगी और ईद जो है वो सेलिब्रेट भी हो जाएगी फैमिली के साथ। नेक्स्ट डे तो भाई ये है कि आज है ईद का तीसरा दिन और हम जो है वो निकलने लगे हैं। तो सुने कहाँ जा रहे हैं आप? हम कहाँ जा रहे हैं अभी? हम जा रहे हैं कब्रिस्तान। वैसे तो हम जाते हैं फर्स्ट डे को, हाँ, लेकिन इस बार जा रहे हैं तीसरी ईद को। जो जून के पहले दिन कुछ जरूरियात के काम था आप निकल नहीं सके, लेकिन इससे एक फ़ायदा मेरा भी हो गया कि मैं भी आपके साथ चल लूँगी, वरना फर्स्ट डे अमूमन यही होता है ना कि आप और अली असगर जो होते हो हो लेते हो कब्रिस्तान। इंसान को ये कि उन प्यारों को, उन मरहूम को याद रखना चाहिए कब्रिस्तान जाके, कि जो हमारे साथ पिछले साल थे, पाँच साल पहले थे, हमारे साथ ही थे, जो उनसे खुशियाँ हमारे साथ खुशियाँ मना रहे थे। हाँ, हमें नहीं है सही, उनको याद रखना चाहिए। सही, ऐसे मौक़ों में उनकी कमी है ना, खलती है। तो बस अब ये करते हैं क्योंकि टाइम भी जो है वो ओवर हो रहा है, अब जल्दी जाके जल्दी आते हैं वहाँ से। तो बस अभी हम जाते हैं और फिर आपको वहाँ पे मिलते हैं। तो भाई हम लोग पहुँच चुके हैं कब्रिस्तान। The next day. भाई आज हम लोग आए हुए हैं नुस्खा पार्क। भाई नुस्खा पार्क हम लोग क्रिकेट वगैरह खेलने नहीं आए, आज को आज आए हैं हम लोग यहाँ मेले में। तो यहाँ पहले इसे मेला लगा हुआ था, तो बस पूरे झूले लगे रहे, अंदर चलते हो देखते कि मेले में क्या चीज़ है। कश्ती वाला झूला आया हुआ है, मशीन वाला, और बाकी एक आई हुई है ये वाला झूला। इसको क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, बाकी जो भी है ये आया हुआ है। और यार मैं देख रहा हूँ काफ़ी देर से ये लोग ऊपर लटके हुए हैं, मतलब इन लोग को ऊपर लटकाए हुए काफ़ी देर से, ऊपर लटके हुए और वहीं लटके हुए और कुछ झूला चल ही नहीं रहा, उनको कब से काफ़ी देर से ऊपर लटकाया हुआ है। बाकी मैं लोगों को दिखा सकते हैं किस तरीके से सजाया हुआ है। ये सारा शुगर मेला चल रहा है और भाई सामान तुम्हें जाने भूत बंगले में, वहाँ भूत बंगला लगा हुआ है, तुम्हें जाने भाई अंदर भूत बंगला लगा हुआ है, देख लो तुम, चल लो ना, डर तो नहीं लगेगा तुम्हें। ये नहीं कि फिर तुम रात को
को सो नहीं पाओ। सारी अपना गिलास गिराने तुम्हें एक तो मिस हो गया है? एक भी गिलास नहीं गिरा। लाल आखिरी में ट्राई कर देगा। ये क्या किया बाबा? एक तो मैंने थोड़े बहुत गिरा, हमने एक भी नहीं गिरा। हाँ तो भाई यहाँ पे लगे हुए हैं काफी सारे स्टॉल, और जैसे कि आपको दिखाया गया अभी हमने अपने स्टॉल में गवा दिए, तीनों बोले छोड़ दी थी, तो हमें तो इधर से कुछ मिला नहीं। बाकी मैं आप लोग को दिखा दूँगी यहाँ पे और क्या क्या स्टॉल है। तो भाई यहाँ पे अभी जो हमने गेम खेला वो था, और बाकी यहाँ पे कुछ अलग गेम है, यहाँ पे भी अलग 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 गेम है। गेमों की कमी नहीं है भाई, गेम एक के बाद एक गेम आए जा रहे हैं, तो ये गेम है। और फिर उसके बाद आगे मुझे खाने का स्टॉल दिख रहा है भाई, तो आगे है फूड स्टॉल, और आपको दिखा देंगे फूड स्टॉल में क्या क्या है। बाकी हमें तो अभी फिलहाल कुछ खाना नहीं, क्योंकि अभी हम लोग जाएंगे इसके बाद दावत में, तो बाकी मैं आप लोग को दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो अलग गेम चल रहा है, और उसके बाद ये कुछ अलग कोई शुगर मेला है, पता नहीं क्या है। बाकी यहाँ पे तो ये है बन कबाब, गोलगप्पे वगैरह, और काफ़ी सारी चीज़ें भाई यहाँ पे खाने में। तो उसके बाद है चना चाट वगैरह, और ये हलीम वगैरह, अलग अलग डिशे, और उसके बाद टिक्के बोटी का सीन चल रहा है, और उसके बाद है फ्राइज का सीन। और भाई यहाँ पे हमें मिल गए हमारे थोड़े बहुत सब्सक्राइबर, और क्या कहते हैं वो एक सब्सक्राइबर था वो चले गया, वो शर्मा रहा था थोड़ा कैमरे में आने से तो चले गया, और बाकी ये हमारे सब्सक्राइबर वगैरह। तो भाई कैसे लग रहा है वीडियोस देखता हूँ? सही लग रहा हूँ। चलो भाई चलो। हाँ भाई तुम लोग यहाँ पे सूखे सूखे खड़े हो, तुम लोग कुछ आइसक्रीम वगैरह नहीं खानी? काम करते चलते हैं, पापा को बोलते कि हमें आइसक्रीम खिलाए, सही है? चलो चलो आ जाओ। हाँ जीतन कैसे लग रहे हैं यहाँ पे आके? मजा आ रहा है? हाँ तुम्हें मजा आ रहा है? अंकल आइसक्रीम क्या हिसाब है? 30 का है 50 का है? Yeah,
तो यहाँ से हम जाएंगे अब दावत में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। जिंदगी रही और सेहत के साथ ये लोग मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट में जबरदस्त ब्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।